Lagi gauruh tabrinda sabhi ko hath dhara bola hari krishna 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 hari hari aarti dhar le aao hari ram ram hari 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 krishna abhi aarti hogi ab sab log khade ho jao sab khade ho jao bhagwat ki aarti hogi अपनी अपनी जगह पे हो जाओ। अरे पंखा बंद कराओ पहले। आइए आरती के लिए सभी खड़े हो जाए। श्री भाग बस भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भाग बस भगवान माधव वाली विष्णु भगवान देव
तन्मयतया तरवो भिने
स्तम सर्वभूत हृदय मुनिवान तस्मि नारायणं नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद सभी पर हाथ उठा के बोलो बोले हरे कृष्णा 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 हरे 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 सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ण विष्णुपाद अष्टोतर सतश्री श्री श्रीमद भक्ति श्री सिद्धार्थ गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे सिख्या गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ण विष्णुपाद अष्टोतर सतश्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी को मैं यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। आज हम लोगों का बहुत बढ़िया दिन है क्योंकि हम सबके सब श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने के लिए हम सबके सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते परीक्षित बोले जन्मांतरे भवेत पुण्यम तथा भागवतम लभ्यम। बोले एक जन्म नहीं कहते करोड़ों करोड़ों जन्म का जब कोई पुण्य उदय होता है तभी जीवन में ये श्रीमद् भागवत कथा कोई श्रवण कर सकता है। संतों का कहना है जगत में ऐसे कुछ काम है अगर हमारे पास में पैसा की बल हो जो काम को हम पैसा के बल पर कर सकते हैं। जगत में ऐसे कुछ काम है अगर हमें कोई जन बल मिले लोग हमें मदद करते हैं जो काम को हम कर सकते हैं। लेकिन उससे जो बड़ा बल है ये मन की बल है। अगर तुम्हारे पास में पैसा नहीं हो लेकिन मन की बल हो जगत में ऐसे कुछ काम है जो मन की बल पर कर सकते हो। लेकिन गुरु जी कहते हैं जगत में सबसे जो बड़ा बल है आत्मबल है। जगत में ऐसे कुछ काम है जो काम को हम सिर्फ आत्मबल से कर सकते हैं। लेकिन श्री सुखदेव गोस्वामी कहते परीक्षित यदि ये श्रीमद् भागवत कथा को न तो कोई जनबल से कर सकता है न तो कोई अर्थ बल से कर सकता है न तो कोई मन बल से कर सकता है न तो कोई आत्मा बल से कर सकता है जब तक बांके बिहारी जी की ठाकुर जी की गुरु जी की कृपा की बल नहीं हो कति ये भागवत कथा कोई रख भी नहीं सकते हैं कथा कोई सुन भी नहीं सकते हैं। बोले श्रीमद् भागवत कथा जयकार सही सही नहीं लग रहा है। देखो जो जितने जोर से भागवत की जयकार दोगा ना उसको उतना ही जय होगा। कहते जय देने से जय होते हैं। इतने जोर से जय लगाओ जैसे घड़ी में कथा हो रही है दुनिया को पता चल जाए। जोर से बोले श्रीमद् भागवत कथा अमृत की। इसलिए श्री कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन बोले जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानी भवति भारत अद्भुतानम धर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहम्। कहते हे अर्जुन जब जब इस जगत में गो ब्राह्मण पृथ्वी और माताओं को ऊपर में कोई अत्याचार होती है तब तक मैंने इसी जगत में अवतीर्ण होकर के क्या करता हूँ
दुष्टों को विनाश करता हूँ और संतों को मैं पालन करता हूँ। ये जो श्रीमद् भागवत ग्रंथ है, जैसे भगवान कभी मत्स्य अवतार में आए, बोले क्यों? बोले जिस समय ये दैत्यों ने चारी वेद को चोरी करके ले गए थे, तब भगवान ने मत्स्य अवतार लिए और उन्होंने वेद को उद्धार किया। बोले कुर्मा अवतार में जब देवता दैत्य मिल करके समुद्र मंथन कर रहे थे, वो मंदारचल पर्वत धीरे 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 रसातल में जा रहे थे, तब भगवान मत्स्य अवतार, भगवान श्री कुर्मा अवतार लेकर के उन्होंने समुद्र मंथन करवाया। जब पृथ्वी रसातल में चली गई थी, भगवान वराह अवतार में आए। जिस समय पृथ्वी के ऊपर रावण अत्याचार कर रहा था, भगवान श्री राम रूप में आए और रावण को उन्होंने वध किया। भगवान कभी वामन अवतार में आए, बोले क्यों? बोले बलि महाराज के ऊपर में कृपा करने के लिए। लेकिन कृष्ण कब आए? जब कंस की अत्याचार बढ़ गई थी, तब भगवान कृष्ण अवतार में आए, कंस शिशुपाल दंत वक्र को वध किया। यदि श्रीमद् भागवत क्या है, भगवान ये भागवत ग्रंथ रूप में क्यों आए? इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, बोले कृष्ण स्वधाम उपगते धर्म ज्ञानादिविषा कलौ नष्टादि समेश पुराण अर्क धुनादित। बोले जिस समय भगवान कृष्ण इसी संसार से जा रहे थे, इसका इको थोड़ा कम कर दो, जिस समय भगवान कृष्ण ये संसार छोड़ करके जा रहे थे, वहां पर श्री उद्धव भी थे। उद्धव जी ने कहा, प्रभु आप तो ये दुनिया छोड़ करके जा रहे हो, अभी मैं किसका सहारा लेकर के रहूंगा? हम तो जिंदगी भर एक साथ में रहे, खाए, सोए, पिए, आप तो ये दुनिया छोड़ करके जा रहे हो, अभी मेरा कल्याण कैसे होगा? तो भगवान कृष्ण कहते, उद्धव मैं एक स्वरूप में तो ये संसार से जा रहा हूँ और जगत में मैं दूसरे स्वरूप में रह भी रह रहा हूँ। भगवान ने उद्धव के बच्चे को सामने बुलाना नहीं, इसलिए उद्धव जी ने कहा, प्रभु कलयुग में आप किस रूप में कलयुग में मिलोगे? कृष्ण स्वयं कहते हैं, हे अर्जुन, कलयुग में ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ रूप में मैं स्वयं विद्यमान हूँ। ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ नहीं, बोले तेन अयंग बांगमयी मूर्ति। बोले भगवान की आठ स्वरूप है, कितना स्वरूप है इसका थोड़ा इको कम कर दो। कहते भगवान की ये आठ स्वरूप है। बोले क्या क्या आठ स्वरूप? सब याद करके रखना, मैं कल पूछूंगा, देखूंगा, मेरे को जो बोलेगा ना उसको मैं इनाम दूंगा। भगवान कलयुग में आठ रूप में विद्यमान है। पहला एक रूप है, जैसे ठाकुर जी को जो अष्ट धातु में देखते हो। दूसरा स्वरूप है, जैसे चित्रपट में देखते हो। तीसरा स्वरूप है, अरे इतना इको कम क्यों गया? तीसरा स्वरूप है भगवान, कहते कभी मिट्टी में ठाकुर बनते हैं। चौथा स्वरूप है भगवान, कभी कभी पत्थर में बने हुए होते हैं। पंचमा स्वरूप में कभी रेती में बनते हैं। छठवा स्वरूप है भगवान, कभी मन में प्रकटित होते हैं, हैं? ऐसे सप्तम स्वरूप में भगवान कभी वाणी रूप अक्षर रूप में भगवान, और जो भगवान की जो आठवां स्वरूप है, कहते ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ रूप में, जो ये वाणी रूप में, जैसे अक्षरात्मक रूप में, जैसे हरे कृष्ण हाथ उठाकर बोलो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे जोर करके बोलो, बोला हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। इसमें जैसे हरे कृष्ण ये अक्षर है, इसलिए कहते हैं ना हरी से बड़ा
हरि का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम। अंत में निकला यह परिणाम, अंत में निकला यह परिणाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से बड़ा सागर को लंघ सके ना, बिना पुल के राम श्री राधे राधे। जिस सागर को लंघ सके ना, बिना पुल के राम श्री राधे राधे। खुद गया हनुमान उसी को, खुद गया हनुमान उसी को, भगवान और नाम में कोई भेद नहीं, बल्कि हरि से बड़ा हरि का नाम। इसका मुंह से बोली नहीं निकलती, हरि का नाम। इसलिए भगवान कृष्ण खुद कहते हैं, उद्धव मैं कलयुग में ये सप्त ब्रह्म रूप में, ये अक्षरात्मक रूप में और ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ रूप में मैं कलयुग में प्रकट होऊंगा। कलयुग में अगर कोई व्यक्ति ये श्रीमद् भागवत कथा को कोई श्रवण करते हैं, कहते भगवान की कथा सुनना और भगवान से मिलना कोई अलग बात नहीं। हम कथा नहीं सुन रहे हैं, साक्षात ठाकुर जी से बांके बिहारी को साथ में हम मिल रहे हैं, ठाकुर को साथ में हम मिल रहे हैं। इसलिए बोले ये जो श्रीमद् भागवत ग्रंथ है इसमें 12 खंड है। प्रथम द्वितीय जो स्कंध है ये बांके बिहारी की 2 चरण है। तृतीय चतुर्थ स्कंध बोले भगवान की ये जंघा है। जो पंचम स्कंध भगवान की नाभि है। षष्ठ सप्तम स्कंध ये भगवान की बांके बिहारी की 2 भुजाएं हैं। अष्टम स्कंध भगवान की बख्य स्थल। नवम स्कंध भगवान की कंठ। और दसम स्कंध ये बांके बिहारी की मुखार बिंद। एकादश स्कंद भगवान की ललाट। और जो द्वादश स्कंद भगवान की सर है। इसलिए कदी ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ नहीं, ये भागवत ग्रंथ में स्वयं कृष्ण हमारी कल्याण करने के लिए प्रकट हुए हैं। जैसे सूरज उदय होने पर जैसे अंधकार अपने आप हट जाती है, अगर ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ को कोई श्रवण करे, हमारे हृदय में जो अज्ञान है, आप देखना 7 दिन में हृदय की जितनी तुम्हारी अज्ञान है सारे अज्ञान अंधकार हट जाएगी और भगवान स्वयं सूरज रूप में हृदय में ठाकुर जी प्रकट हो जाएंगे। बोले श्रीमद् भागवत ग्रंथ की। इसलिए देखो बोले जहां पर ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ हो, ये भागवत कथा की इतने महिमा आप लोग ये मत समझो हम ही आकर कथा सुन रहे। बोले नहीं, इसलिए सुतो गोस्वामी कहते हैं जहाँ पर ये भागवत ग्रंथ हो, जितने ऋषि मुनि नदी सबके सब मूर्तिमान रूप में कथा सुनते हैं, यहाँ तक भी स्वर्ग से देवता लोग भी छुप करके कहीं ना कहीं बैठ कर कथा सुन रहे देवता लोग भी। इसलिए श्री चतुसन ने हरिद्वार में जब ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ कथा की, उस समय स्वर्ग लोक से देवता लोग भी पुष्प की बौछार की, वे भी शंख और नगड़ा बजाए, वे भी स्वर्ग से पारिजात पुष्पों को उन्होंने भी बौछार की और स्वर्ग से वो भी प्रसन्न हुए। इसका मतलब है जहाँ पर ये श्रीमद् भागवत कथा हो, केवल हम ही प्रसन्न हो रहे ऐसे नहीं,
देवता लोग भी प्रसन्न होकर के ये भागवत ग्रंथ के जयकार देते हैं। श्रीमद् भागवत कथामृत की जय। जय श्री राधे। इसलिए श्री शंकर जी पार्वती को भी ये बात कहते हैं, बोले पार्वती साधारण भाग्य से कथा सुनने को नहीं मिलती, साधारण भाग्य से नहीं, इसलिए बड़े भाग्य से ये भगवत कथा और भागवत कथा में सुनने को मिलती है। देखो शंकर जी क्या कहते हैं, बोले सत्संगति दुर्लभ संसार, कहते पार्वती कहते ये जो श्रीमद् भागवत कथा पार्वती बड़ा दुर्लभ है, अगर मुझे अगर कभी कथा सुनना हो, आप लोग कितने दूर से आए हो कथा सुनने के लिए, कोई गाड़ी से, कोई 1 किलोमीटर, कोई 2 किलोमीटर, कोई 3 किलोमीटर, कोई 5 किलोमीटर, कोई 10, इतने दूर से आए होंगे ना, इतने दूर से आए होंगे ना, और ज्यादा दूर से तो नहीं आएंगे। लेकिन सुखदेव गोस्वामी कहते परीक्षित ये भागवत कथा की इतने दुर्लभ है कि तो स्वर्ग से भी देवता लोग कथा सुनने आते हैं, स्वर्ग लोग से देवता लोग आते हैं। बोले इनकी बात छोड़ दो, कहते तो ब्रह्म लोक में ब्रह्मा ब्रह्माणी भी कथा सुनने के लिए आते हैं। बोले इनकी बात छोड़ दो, स्वयं कैलाश से, स्वयं कैलाशपुरी से कौन आते हैं, शंकर पार्वती की भी कथा सुनने आते हैं। बोले कैलाश की बात छोड़ दो, श्री सुखदेव गोस्वामी कहते प्रहलाद श्री परीक्षित, आप लोग रामायण सुने होंगे हैं, कहते ये वैकुंठ से भी ये गरुड़ जी भी कथा सुनने के लिए आते हैं। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, बोले गया वो गरुड़ जहाँ बस के भूसोना, गया वो गरुड़ जी वैकुंठ में रहते हैं, अगर उनकी इच्छा हो भैया मैं भी थोड़ा भागवत कथा सुना, कहते वैकुंठ में भी कथा नहीं, इसलिए उनको वैकुंठ छोड़ करके भी आना पड़ता है, कहाँ मरते जगत में। देखो ये गड़ी के लोग कितने भाग्यवान, ये चीज वो समझो, देवता को स्वर्ग लोग छोड़ना पड़ा, ब्रह्मा को ब्रह्म लोग छोड़ना पड़ा, शंकर पार्वती को कैलाश छोड़ना पड़ा, गरुड़ जी को वैकुंठ छोड़ना पड़ा, आप बताओ गड़ी लोगों को, गड़ी वासियों को कुछ छोड़ना पड़ा, तुम लोग घर छोड़े हो, कुछ भी तुम्हें छोड़ना नहीं पड़ा। और ये कथा रूपी गंगा
वृंदावन से बहते बहते घर के सामने आ गई और हम घर में बैठे बैठ करके कथा रूपी गंगा में यहीं पर स्नान कर लिया। इसका मतलब है जोर से ताली भी नहीं हो जाती, ताली में कहीं से करती। इसका मतलब है हम लोग बड़े सौभाग्यवान हैं जो घर में बैठ बैठ कर कथा सुन लिया। देखो हनुमान जी का नाम जानते हो? कौन कौन हनुमान का नाम जानते हो? सब जानते हो। देखो जिस समय भगवान राम ये मर्त जगत छोड़ करके प्रभु राम जा रहे थे, सारे अयोध्या वासी वहां पर बैठे, प्रभु जा रहे हैं हम भी प्रभु जी को साथ में वैकुंठ गमन करेंगे, वहां सबके सब थे लेकिन एक व्यक्ति वहां पर था नहीं। बोले कौन? बोले श्री हनुमान जी। भगवान राम सोच रहे हैं, कहते हैं ना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। भगवान सोच रहे हैं भैया जो हनुमान कभी मेरे को छोड़ करके एक मुहूर्त भी रहने वाले नहीं, लेकिन ये हनुमान जी कहाँ, दुनिया तो यहाँ पर है। इतने में भगवान राम उनको ढूंढ रहे थे, हनुमान हनुमान जी का भैया यहाँ पर कोई कोई है? ये बच्चों को यहाँ से हटा दो, यहाँ से इनको बैठने मत दो। बोले प्रसाद का समय, इनको उनको निकाल दो यहाँ से, ये कथा सुनेंगे नहीं और सुनने भी नहीं देंगे। एक व्यक्ति यहाँ पर रहो, ये बच्चे जैसे कोई गड़बड़ नहीं करे, एक व्यक्ति यहाँ पर हर समय रहो, इनको यहाँ से प्रभु जी इनको बैठने, ये कथा नहीं सुनेंगे, ये कथा सुनेंगे नहीं और सुनने नहीं देंगे। इसलिए भगवान राम ने देखा, भगवान राम देख रहे थे भैया हनुमान जी कहाँ है, ढूंढते ढूंढते देखा हनुमान जी घर की एक कोने में बैठे हुए, और रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम प्रभु का नाम जप कर रहे थे। बोले हनुमान जी सारे अयोध्या वैकुंठ जाने के लिए तैयारी, तो वैकुंठ नहीं जाओगे? देखो हनुमान जी क्या कहते हैं, बोले प्रभु वैकुंठ में क्या तेरी कथा सुनने को मिलेगी? भगवान ने कहा भैया जब मैं स्वयं वहां पर हूं तेरी ये कथा की क्या जरूरत है? देखो हनुमान जी कितने बड़ी बात कहते हैं। बोले प्रभु जहां पर तुम्हारी कथा है वहां पर अब 100% अब वही मिलोगी, लेकिन जहां पर आप हो वहां हो सकती है आपकी कथा वहां पर नहीं होगी, लेकिन जहां पर तुम्हारी कथा हो रही है वहीं पर ही आपने मिलोगे। इसलिए भागवत में बताया नजत्र वैकुंठ कथा सुधा बगा, अगर वैकुंठ में प्रभु की कथा नहीं, स्वर्ग में प्रभु की कथा नहीं, जहां पर तुम्हारी जन्म उत्सव नहीं, राधाष्टमी नहीं, गिरिराज गोवर्धन पूजा नहीं, जहां पर तेरी होली महोत्सव नहीं, बोले सुरेश लोक अपि नभै सभ्यताम, कहते वो वैकुंठ स्वर्ग लोक क्यों नहीं हो, मैं वहां जाना नहीं चाहता हूँ, मैं तो वहीं पर जाना रहना चाहता हूँ जहां पर तेरी कथा कीर्तन और भजन पूजा पाठ, वहीं पर मैं रहना चाहता हूँ। इसलिए भगवान राम हनुमान जी से पूछे, बोले हनुमान जी ये बता फिर वैकुंठ कब आओगे? बोले प्रभु जब मैं देखूंगा ये मरते जगत में कहीं भी तेरी कथा नहीं हो रही, कहीं तेरी भजन नहीं, कथा कीर्तन नहीं, मैं एक सेकंड के लिए भी यहाँ पर मैं नहीं रहूंगा, उसी समय तेरे वैकुंठ लोक में चलाऊंगा, उसी समय में मैं वैकुंठ लोक में चलाऊंगा। समझो ये जो भगवत कथा है कितने भाग्यशालियों को ये कथा सुनने को मिलती है। इसलिए श्री शंकर जी इसलिए पार्वती को कहते हैं, क्या कहते हैं? बोले सत्संगति दुर्लभ संसार। ये कौन कह रहे हैं? बोलो कौन कह रहे हैं? शंकर जी। बोलो शंकर जी। शंकर जी अब लोग कथा सुन रहे हैं बैठ गए, मान लो अगर ये शंकर जी कह रहे हैं, देखो कोई बात को अगर एरे गेरे व्यक्ति बोले ना उसका कोई महत्व नहीं, लेकिन कोई बड़े व्यक्ति अगर किसी बात को बोले
फिर वो बात की बड़ी महत्व है। इसलिए ये बात को श्री शंकर जी कह रहे हैं। शंकर जी कौन है? बोले सत्यम शिवम सुंदरम। शंकर जी किसको कह रहे हैं? माता पार्वती को, जगदम्बा जगत जननी को कह रहे हैं। बोले पार्वती सत्संगति दुर्लभ संसारा। इसी जगत में सत्संग और जो भगवान की कथा पार्वती बड़ा दुर्लभ है। फिर पार्वती माँ कह रही है, बोले आप प्रभु कह रहे हो सत्संगति दुर्लभ संसारा। बोले हाँ। बोले देखो घड़ी में कथा हो रही ना, ये घड़ी में कथा हो रही कि नहीं? देखना जो लोगों ने कथा किए होंगे, कितने कितने दिन से प्रचार कर रहे हैं, भागवत कथा होगी, कथा सुनने के लिए आओ। घर घर में पाम्पलेट बांटे होंगे, घर घर में नौता दिए होंगे, आओ कथा सुनने के लिए, कथा सुनने के लिए आओ। कितने प्रचार किए होंगे तभी तो कथा हो रही है। तो आप कह रहे हो भगवान की कथा दुर्लभ है, सत्संगति दुर्लभ है। बोले हाँ। बोले दुर्लभ कहाँ, सुलभ है। देखो शंकर जी क्या कहते हैं। बोले पार्वती ये सारे बात तो होगी, ये सब कुछ काम तो करेंगे, लेकिन शंकर जी कहते हैं, देखो क्या कहते हैं। बोले आबत ही सारा अति कठिनाई, आबत पार्वती आप तो यही सर अति कठिन, बड़ी कठिनी है, बड़ी कठिनी है। बोले कौन आ पाते हैं? बोले राम कृपा बिनु आई नहीं जाए। जब तक भगवान की कृपा नहीं हो पार्वती, यहाँ पर कोई नहीं आ सकते हैं। देखो अगर शाहरुख खान आ रहा है, अमिताभ बच्चन अगर यहाँ पर आ जाए, ऐश्वर्या राय आ जाए, हैं यहाँ पर जगह मिलेगा प्यार रखने के लिए? बताओ यहाँ पर प्यार रखने के लिए ज्यादा मिले जगह मिलेगी? अभी आपको टीवी में देखे होंगे मोदी कहीं जा रहा था, कहाँ काशी कहाँ कहीं गया, हजार हजार लोग वहाँ पर। लेकिन शंकर जी कहते पार्वती अगर कहीं पर भगवान की कथा हो रही ना, हैं कहीं अगर भगवान की कथा हो रही है, बोले आप तो यही सर अति कठिनाई पार्वती। अगर किसको बोलो भैया कथा सुनने के लिए आओ, पति लोग विशेष करके बोले तू चले जा, तू जाने से ही हो जाएगा, तू ही उधार हो जा, और मैं अपना काम निपटा करके आ जाऊंगा, मैं अपना काम निपटा करके मैं आ जाऊंगा। बोले भैया तू खुद निपट जाओगे, तेरे काम कभी नहीं निपटेगा। अभी दुनिया में किसका काम निपटा है बता? अभी किसने खुद निपट गए, लेकिन काम तुम्हारी नहीं निपटेगा है। इसलिए शंकर जी कहते पार्वती ये भागवत कथा में बड़े सौभाग्यवान व्यक्ति आते हैं। तो पार्वती फिर प्रश्न करती हैं, बोले प्रभु ये कथा में फिर कौन कौन आते हैं, ये कथा में कौन कौन आते हैं? देखो ये शंकर जी कहते हैं, बोले अति हरि कृपा जा पर होई, हरि कृपा God।
जिसको फिर मैं ठाकुर की विशेष कृपा हुई, विशेष कृपा हुई, बोले पाव देही की संगत हुई, तभी पार्वती ये कथा में कोई आ सकते हैं। इसलिए ये कथा को बताया, ये कथा क्या है? बोले ये कथा नहीं, ये कल्प वृक्ष है। क्या है कथा? बोलो कथा क्या है? कल्प वृक्ष का मतलब क्या है? बोले जो मांगो वही मिलेगा। अगर आप 7 दिन तक सही सही सुनना बैठ कर के ऐसे नहीं बीच में चले गए और बीच में आए कहते नहीं, पद्म पुराण बताया अगर तुम नियम से ये भागवत कथा को 7 दिन बैठ कर के सुनोगे कहते जो धन है उसको धन प्रदान करती है, जो रोगी है
इसको ये निरोग प्रदान करते हैं, जो दुखी है उसके सुख प्रदान करते हैं, जो भक्ति चाहते हैं उनको भक्ति देती हैं, जो मुक्ति चाहते हैं उसको मुक्ति देती हैं। बोले सर्वकाम, सर्वकाम माने सब कुछ, सब संसार की धन दौलत पुत्र परिवार सुख शांति हम चाहते हैं, सब चाहते हैं। बोले सर्वकाम सारे इच्छाओं को ये भागवत पूरी करते हैं। लेकिन ये कथा को अगर तुम 7 दिन तक सही सही अगर बैठ करके कथा सुनोगे तो अब देख लेना। अभी हम ग्रेटर नोएडा गए थे, एक माता जी को 25 साल से संतान नहीं थी, 25 साल से दुनिया में ऐसे कोई डॉक्टर नहीं जो काम उसने नहीं करते, सारे काम करते। लेकिन उसने 7 दिन तक कथा सुनी और 7 दिन की कथा सुनकर फल अगर खाया तो अभी उसका जो बेटा हुआ और मेरे पास में ले आए तो बोले बाबा आपकी कथा सुनकर की मेरी संतान प्राप्त हुई, इसलिए आप इसका एक कोई नाम रख लो, इसका कोई अच्छा इसका नाम रख लो। मैं सारा दुनिया मैंने घूम गई थी लेकिन मेरी संतान किसी ने नहीं दे सकी, इसलिए कथा सुनकर गुण तो संतान। अभी जनकपुरी में वहाँ पे कथा सुनकर संतान हुई, बोले मैं खुद भागवत कथा कर रहा हूँ, क्यों बोले 10 साल के बाद में आपकी कथा से मेरी बच्चे मिली। इसलिए अगर 7 दिन तक अगर सुनो बैठ कर, लेकिन दुर्भाग्य दृष्टांत क्या है, झूठ की चीज को टीवी को सामने बैठ कर 3 दिन के अंदर बिता सकते, सीरियल जो उल्टा पुल्टा आ रही है, सास वो भी लड़ाई हो रही है, कई उल्टा पुल्टा गर्दी कर वहाँ तक टीवी खोल कर 3 घंटा बिता सकते हैं। लेकिन यहाँ जिसमें शांति सुख मिले ना, यहाँ पर बैठ करके यहाँ बैठ शरीर में खुजली बच जाती है, कथा सुनिए घर शरीर में खुजली बच जाती है, कब जाऊँ कब घर जाऊँ। इसलिए शंकर जी क्या कहते हैं, इसलिए शंकर जी कहते हैं पार्वती, इसलिए कहते अति हरी कृपा जा पर हुई पार्वती, ये कथा कौन सुन सकते हैं। बोले जिसको ऊपर में ठाकुर जी की दो तरह की कृपा है, एक तो घुमा फिरा करके और एक डायरेक्ट कृपा है। इसलिए शंकर जी कहते पार्वती जिसको ऊपर में भगवान की डायरेक्ट कृपा हो जाए वही व्यक्ति पाप देही असंगत सोई, तभी इसको जीवन में ये भागवत कथा सुनने को मिलती है। स्वयं शंकर जी कहते मेरे को कथा सुनने के लिए कैलाश से इतने दूर से मैं सफर करके आता हूँ, कहीं अगर भगवत कथा हो। शंकर स्वयं कहती है पार्वती को उदाहरण दिया, जैसे तुम्हारी घर में शादी हो रही है, नीचे बच्चे का बर्थडे बना रहे हो, बताओ तो उसमें कौन आएगा, आप जिसको निमंत्रण दो वही तो आएगा ना। देखना तुम्हारी घर को पास में 9 इंच दीवार को पास में एक व्यक्ति, लेकिन आप उसको नौता नहीं दी वो आएगा, लेकिन 1000 किलोमीटर दूर नहीं तो 5000 किलोमीटर दूर में भी होगा ना। अगर तुम्हारी कोई बच्चा विदेश में भी कोई व्यक्ति होगा, अगर आप उसको नौता दोगे ना इतना दूर से भाई तो आएगा, लेकिन घर को पास में अगर तुम नौता नहीं दोगे तुम्हारी घर में नहीं आएगा। इसलिए शंकर